एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर के ग्राम डूंगरपुर पहुंची। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान मनसब हैं, जिन्होंने अपने गांव में विकास को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस गांव में लगभग 2500 कुल वोटर हैं। अगर बात शिक्षा की जाए तो इस गांव में जूनियर व प्राथमिक हाई स्कूल में बच्चों की तादाद अच्छी स्थिति में नजर आई। लगभग 950 विद्यार्थी इस गांव में शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। साथ ही साथ इस ग्राम में सभी ग्रामीणों को सही तरीके से लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन। प्रधानपति ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि उन्होंने गांव में लगभग 28 हैंडपंप लगाए हैं, लेकिन अभी भी 10 और हैंडपंपों की सरकार से दरकार है। इसी के साथ उन्होंने बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगभग 100 बिजली के पोल व 25 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गाँव में लगवाए हैं। प्रधानपति ने बताया कि उन्होंने अपने ग्राम में अभी तक बारात घर का निर्माण कराया है, सीसी टाइल्स रोडे भी बनवाई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत भवन का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, जिससे गांव वासियों को किसी भी तरीके की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। देखो, मेरा नमस्कार, मैं प्रधानपति मोहम्मद नाजिर हुसैन, ग्राम डूंगरपुर से। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ एबीपीएस न्यूज का कि वो हमारे गाँव में आए, यहाँ पे उन्होंने विकास कार्यों की और गाँव में हो रहे सभी जो काम हैं जो पंचायत से रिलेटेड चल रहे हैं उनकी समीक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन 2 सालों के कार्यकाल में मैंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो मेरी गांव में सबसे ज़्यादा समस्याएं थी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, कोई खास विकास कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया, सिर्फ खरंजे और मिट्टी कार्य ही हो पाया था, जिसमें मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में मैंने यहाँ पर RCC टायर्स का काम बहुत अधिक मात्रा में किया है, स्कूल की मरम्मत की है, करीबन 100 पेंशन्स जो हमारी बनती थी विधवा वृद्धा पेंशन्स वो हमने बनवाई हैं। 17 अब तक प्रधानमंत्री आवास हम लोगों को दे चुके हैं। उससे पहले वर्ष 2015 में हमने इंदिरा आवास 14 इंदिरा आवास दिए हैं और तकरीबन 17 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। पेंशन्स का काम हमारा चल रहा है, हमने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है शौचालय निर्माण के लिए, वो खुद कराएं, गांव को ODF में कराना है। स्वच्छता सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया, लोगों ने इस चीज़ में हमारा सपोर्ट भी किया। ये सपोर्ट का ही नतीजा है कि आप हमारे गांव में इस समय आए हैं, तो सारी जगह आपने देखा भी होगा कि हमारे गाँव में सफाई को लेकर अपने घर के आगे हर व्यक्ति साफ करता है, अपना जो कूड़ा है वो गाँव से बाहर डालता है। गाँव का मुखिया होने के नाते उनके लिए तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ मैं मोहम्मद नाजिर। बस एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा जो गाँव है वो बहुत ही प्यार और मोहब्बत का गांव है, यहाँ पे कोई गुटबंदी कोई ग्रुपबाजी नहीं है। इसकी ये मिसाल है कि मैं तकरीबन 10% मुस्लिम जनसंख्या ग्राम डूंगरपुर में निवास करती है और 90% लोग नॉन मुस्लिम हिंदू समाज से आते हैं, जिन्होंने मुझे मोहब्बत और प्यार मेरे परिवार के प्रति और मेरे प्रति दिखाकर मुझे इस गाँव का मुखिया बनाया है, और मैं उनकी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ इन 5 सालों में, और जो उन्होंने मुझे वक्त दिया है मैं उसके उनके लिए पीरियड को जो है गोल्डन पीरियड में जो है तब्दील करना चाहता हूँ। मंसूरी, ग्राम डूंगरपुर, ब्लॉक भगतपुर टांडा से बोल रहा हूँ। हमारे प्रधान हैं, ग्राम प्रधान के जो हमारे हेड हैं नाजिर हुसैन साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गांव में काम किए हैं। जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, आवास हैं, शौचालय हैं, और एक तो और ये है कि जो हमारे युवा प्रधान है इन्होंने जो है एक समूह बनाया। शुरू में हमने ODF के लिए लोगों को जो है खुले में शौच करते थे, उससे हमने प्रेरित किया कि इससे बीमारियाँ फैलती हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से ये वाला काम किया। फिर प्रधान जी को ने थोड़ा सहयोग दिया, जहाँ तहाँ शौचालय बनवाए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही है, सीसी टाइल्स का काम चल रहा है गांव में बहुत बड़े तरीके से, इंदिरा आवास दिया इन्होंने। अभी अभी हमारे प्रधान जी ने युवा प्रधान होने के नाते, जैसे हमने सुना है कि भारत युवाओं का देश है, भारत जो है गाँव का देश है, तो इन्होंने गाँव को जैसे जैसे हमारे प्रधान जी को सहूलियत मिल रही है, उन्होंने जो है पैसा भी लोगों को देना शुरू किया है। जैसे जैसे सरकार किसी देती है, वैसे हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे तरीके से जो है गाँव में उस पैसे को लगाते हैं।